हम सभी जानते हैं नारी की समाज और परिवार में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिकल्पना को आज से ही नहीं प्राचीन काल से भी स्वीकार किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में एक वाक्य कहा था जिसका अर्थ है, भूमि हमारी माता और हम इस धरा के पुत्र। इसी उद्घोषणा से संपूर्ण विश्व को नारी के महत्व का पता चला था कि आज से ही नहीं प्राचीन काल में ही नारी के महत्व को समाज ने स्वीकार कर लिया था। आधुनिक विश्व के महान सेनानायक फ्रांस के सम्राट बोनापार्टा ने कहा, यदि आप एक महत्वपूर्ण राष्ट्र देखना चाहते हो तो आप हमें केवल एक योग्य माता दे दो, मैं आपको एक योग्य राष्ट्र का निर्माण करके दूंगा। नमस्कार, हाँ मैं नारी हूँ, मैं ही इस सृष्टि के निर्माण का आधारशिला हूँ, मैं ही परिवार की धुरी हूँ, मैं ही एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करने वाली नारी हूँ। हाँ मैं नारी हूँ। आज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ नारी ने अपनी सफलता का परचम न लहराया हो। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक हर तरफ नारी ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। इन सब के बावजूद हमारी सबसे बड़ी भूमिका, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने परिवार की है। अगर मैंने अपने परिवार रूपी बगिया को सजा लिया, संवार लिया और उन्हें एक सही संस्कार दे दिया, सही पथ पर उन्हें अग्रसर कर दिया, तो मैंने अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया। नारी जो नर से बढ़कर है, अपने आप में संपूर्ण है, उसका मेरे अनुसार समाज और परिवार के निर्माण में, उसको आगे बढ़ाने में उस नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। एक नारी चाहे वो शिक्षित है, और हमारी माताएं जो अशिक्षित थी लेकिन कितनी दूरदृष्टा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो समाज से लड़ी, आगे बढ़ी, अपनी लड़कियों को उन्होंने शिक्षा दिलाया, पति से बहस की कि नहीं मेरी लड़की पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तो वो नारी की ही तो सोच थी। मेरे अनुसार अगर एक नारी शिक्षित है तो वो पूरे समाज और अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। कल्पना कीजिए, अगर यह नारी ना हो तो क्या बच्चों की देखभाल ढंग से हो पाएगी? क्या एक नर पूरी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? नहीं, मेरे अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत सम्मान दिया गया है और उन्हें देवी तुल्य माना गया है। कहते हैं जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, उन्हें प्रेम नहीं किया जाता, वहाँ देवता का भी वास नहीं होता। प्राचीन समय में नारी के लिए कोई स्थान वर्जित नहीं था, वह युद्ध में भी भाग लेती थी और अपने रण कौशल को दिखाती थी। कैकेयी और सुलोचना जैसी नारियाँ इसकी उदाहरण हैं। मध्यकाल आते आते नारी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। भक्ति काल में नारी की इतनी उपेक्षा की गई, महाकवि तुलसीदास ने यह कहते हुए नारी की निंदा की, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अंग्रेजी शासन काल में लक्ष्मीबाई, झलकाबाई जैसी नारियों ने अपने त्याग और साहस के दम पे भारत का मान बढ़ाया। आज़ादी के काल में नारियों की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, उन्होंने अपने प्रचंड साहस का परिचय युद्ध में दिया। वर्तमान की नारी, चाहे वो हम हैं, किसी की बहू हो, किसी की बेटी हो, वह किसी भी मामले में किसी भी पुरुष समाज से कम नहीं है, बस ज़रूरत है उन्हें मौका देने की। Yes, if we see our surrounding, means this world, we cannot imagine this world without the women. They are the taking care of everything, family. If we see about the, if we talk about the working women, they are taking care of the family and as well as their workplace. Women are the most beautiful creature on the earth, and we should not underestimate the capability of the women as per their gender. Nowadays, as we compare from the old time, but now that status and the standard of the women, it is increasing. Earlier, it was not like that. The women's that limited criteria was there for the women, but now it is not like that.
contribution of women in the progress of society is immense and cannot be expressed in a few words. The first and foremost contribution of women is being a mother. She not only gives birth to a child but also grooms him for future. It is said that mother is the first teacher for the child. She not only educates, she also gives him values which remains with him forever. And as a sister, as a daughter, or as a mother and wife, the women take care of the family. And behind every successful man, it is said that there is a woman. Because when the woman takes care of the family, the man can concentrate on his work and become successful. Besides looking after the home and taking care of the family, nowadays women are also working outside for the society. In history also we can see like Rani Lakshmibai of Jhansi, she fought with British for the independence of our country, and she sacrificed her life for this. हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता के निर्माण में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर हम इस तथ्य की प्राचीनता की ओर देखें तो विदित होगा कि हमारी संस्कृति कृषि आधारित और गोपालक संस्कृति थी। इस संस्कृति में उत्पादन का केंद्र परिवार होता है। पुरुष बाहर युद्ध क्षेत्र में जाते तो स्त्रियां ही कृषि और दुग्ध उत्पादन का समस्त कार्य देखती थीं। चूंकि उत्पादन और परिवार की देखभाल में स्त्रियों की सक्रिय भूमिका थी तो इन्हें गृहपति अर्थात पति के बराबर स्थान प्राप्त होता था। पत्नी को गृहपत्नी कहा जाता था, यानी कि वह स्त्री जो पूरे परिवार का समस्त देखभाल की जिम्मेदारी ले। किंतु धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ, संस्कृति बदली और इस बदले हुए समाज में स्त्री की भूमिका भी बदली। हमारे देश और समाज पर होने वाले समय समय पर विदेशी आक्रमणों ने, हमलों ने ढेर सारे रीति रिवाजों, परंपराओं को जन्म दिया। वो एक कारण बन गए समाज की रूपरेखा को बदलने में। हमारा आज का विषय है नारी का योगदान समाज एवं परिवार के लिए। इसको इस तरह से शुरू करूंगी कि नारी शक्ति है। जी हाँ, नारी जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग प्रकार के किरदार निभाती है, जैसे कि बेटी का, बहन का, माँ का, सास का, बहू का, बहुत सारे किरदार हैं। जी हाँ, परिवार का जो केंद्र बिंदु है वो नारी है, और बाकी के जितने घटक हैं परिवार के वो नारी के चारों तरफ घूमते हैं। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्रिगम एक लेखक हैं, उन्होंने ऐसे कहा था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक आने वाली पीढ़ी नहीं, अनेक पीढ़ियों को शिक्षित कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक महिला जो कि शिक्षित है, जो कि प्रबल है चीज़ों को करने में, जब वो शादी होके या अपने आसपास की जगहों में जाती है, क्योंकि वो शिक्षित है तो वो अपने आसपास के समाज को भी शिक्षा दे पाती है। हम योगदान को दो प्रकार से समझ सकते हैं, एक पौराणिक काल का योगदान और एक आधुनिक काल का योगदान। वैसे तो पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी गई है, लेकिन तब भी इतिहास गवाह है कि पौराणिक काल में भी महिलाओं ने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं। मैं बचपन से पन्ना दाई की कहानी सुन के बड़ी हुई हूँ। पन्ना दाई माँ का बलिदान, जिन्होंने अपने पुत्र की बलि दे दी अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए, जिससे उनका राष्ट्र बचा रहे, ये भी तो राष्ट्र का निर्माण ही है। हमारी जीजाबाई, माता जीजाबाई, जिन्होंने शिवाजी जैसे पुत्र को जन्म दिया और बचपन से उनके खून में ये बात डाली कि अपने राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने देश के लिए अपने को बलिदान कर देना, लेकिन पीठ नहीं दिखाना, ये क्या उस माँ का बलिदान नहीं।